that it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy's what I'm about. I think you might be the wrong person. Hey guys, welcome back to my channel. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू, लिपस्टिक का रिव्यू है. और आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज की ये मेरी फ्री लिपस्टिक, फ्री में से इसलिए बोलूँगी बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्च. दिस इज़ माई ग्लैम और ये माई ग्लैम का है जो अभी नया लॉन्च हुआ है. जस्ट अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर रही थी और उस पर मुझे एक पेज मिला जिसमें लिखा था गेट फ्री लिपस्टिक. सो मैंने बस ऐसे ही एवं मैंने उस पर क्लिक कर दिया और देखा उसमें जो सिंपली मुझसे चार क्विज पूछे गए थे, तो चार क्वेश्चन मुझसे उसमें पूछे गए, उसका मैंने उसमें आंसर किया. एट टाइम मेरे पास मैंने शेड चूज़ किया और ये जो इसका एक्चुअल जो कॉस्ट है वो 395 है. और मुझे उस पर लिखा हुआ था कि आपको ओनली शिपिंग पे करना पड़ेगा जो था 99 रुपीज़. सो बेसिकली मुझे ये जो लिपस्टिक है वो 99 रुपीज़ में मिली है. आई डोंट नो अगर फ्री का ऑफ़र उसमें अभी भी है तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. और अगर नहीं है तभी भी उस पर बहुत ही भारी डिस्काउंट अभी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ न्यू लॉन्च, लाइक बाय वन गेट वन 50% ऑफ, 40% 60%, बहुत ही ज़्यादा अच्छे ऑफर्स में चल रहे हैं. सो चलिए अभी से हम अनबॉक्सिंग करते हैं. और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि इसकी जो डिलीवरी सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है, मीन्स 2 दिन में ये मेरे पास घर पर पहुँच गया है. अगर मैं ये अपने फ्रेंड को रेफ़र करती हूँ तो पहले मेरे फ्रेंड को 150 का गिफ्ट वाउचर मिलेगा एंड देन इसमें लिखा हुआ है कि वट एवर योर फ्रेंड बाइज यू गेट फ्री, मतलब जो भी मेरा फ्रेंड बाय करेगा मुझे वो चीज़ फ्री में मिलेगी. सो आप देख सकते हैं बहुत ही क्यूट है इस तरह की इसकी पैकेजिंग है. मेरा शेड है वो है कफिंग LM15 और इस पर आप देख सकते हैं बॉटम पे आपको लिपस्टिक का नाम और शेड नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. चीज़ मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी वो है इसकी जो ट्यूब है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें आपको कलर इजीली विजिबल हो सकता है, आपको अपने ड्रॉअर में बार बार इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. ये जो मैंने लगा रखा है वो ये बिल्कुल भी नहीं है, इसे मैं अभी आपको ज़रूर लगा के बताऊँगी. सो देखिए अब हम इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह का इसका ब्रश है, देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट ब्रश है इसका. आई होप कि आपको भी ये लिपस्टिक फ्री में मिले, या हो सकता है नहीं भी मिले तो कोई ना, अभी बहुत अच्छे ऑफर्स में चल रहे हैं, भारी डिस्काउंट चल रहा है, बाय वन गेट वन तो मैंने अभी उसमें जस्ट चेक किया है तो आप अभी जाके उसे ले सकते हैं. सो इसमें मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि इनरिच्ड मोरिंगा ऑयल है जो हमारे लिप्स को बहुत ही हाइड्रेटेड रखता है, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देता है. सो इसमें ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि ये हमारे लिप्स के लिए बहुत ही अच्छा है, हाइड्रेटेड रखेगा. सो बाकी तो हम इसे ट्राई करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी. सो गाइज आप देख सकते हैं मैंने लिपस्टिक जो लगा रखी थी मैंने उसे रिमूव कर लिया है और नाउ अब हम इसे अप्लाई करेंगे. सो गाइज फाइनली मैंने इसे अप्लाई कर लिया है, आप देख सकते हैं. मैं बोलूँगी इसका जो कलर शेड है वो बहुत ही प्यारा है, बट जब आप इसे अप्लाई करेंगे तब ये आपको थोड़ा सा स्टिकी लगेगा, बट नाउ बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो चुका है. आई डोंट थिंक सो कि अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बहुत जल्दी ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है. और अब जो इसका एक्चुअल जो कलर शेड है वो एकदम विजिबल हो रहा है, लाइक बिल्कुल मैट जो शेड है वो अब इसका अच्छे से विजिबल हो पा रहा है. तो गाइस शेड कलर तो हमने बिल्कुल चेक कर लिया है. और अब गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप टी कॉफ़ी लेते हैं, कोई लिक्विड लेते हैं तो ये ट्रांसफ़र होती है या नहीं. एज यू कैन सी गाइस ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लाइक ज़रा सा भी नहीं. सो ये बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ है. यू बिग थम्स अप, बिल्कुल भी स्टिकी ये मुझे नहीं हो रहा है, बहुत ही ड्राई मैट सा फील हो रहा है. और मैंने आपको बता दिया आप टी कॉफ़ी लिक्विड कुछ भी लेते हैं तो ये बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है. इट मीन्स सो गाइज यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. और हाँ गाइज इसमें बहुत ही सारे शेड है, आई थिंक 30 या 22 समथिंग इसमें शेड्स है और सारे शेड्स बहुत ही प्यारे हैं. आपको न्यूड शेड इसमें मिल जाएंगे, डार्क कलर शेड इसमें बहुत ही प्यारे हैं. सो आप अभी जाइए और अभी चेक कीजिए, क्या पता आपको ये लिपस्टिक बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल जाए. ओके गाइज मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.